1971 में बांग्लादेश आजाद होने के बाद वो दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश था। तब पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा रिच था, पर आज उल्टा बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा रिच है। 1971 में उनका जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $134 था, पर आज वो इंडिया से भी ज्यादा है और पाकिस्तान से करीब डबल है। इसी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उन्हें 2030 तक बांग्लादेश से लोन लेना पड़ेगा। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। सिर्फ 50 सालों में इतना प्रोग्रेस दुनिया में बहुत ही कम देशों ने किया है, इसीलिए बांग्लादेश को वन ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट स्टोरीज कहा जाता है। पर आखिर कैसे बांग्लादेश इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर पाया? आखिर कैसे बांग्लादेश भुखमरी से उठकर आज साउथ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाया? आइए जानते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश दुनिया का सेकंड पुअर कंट्री कैसे बना ये जानना होगा। आजादी के बाद पाकिस्तान को दो हिस्सा मिला, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश बन गया। पर गवर्नमेंट जो वेस्ट पाकिस्तान में थी वो ईस्ट पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे, बंगालियों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में एक भयानक साइक्लोन आया, भोला, जिसे मानव इतिहास में सबसे डेडलीएस्ट साइक्लोन माना जाता है, जिसमें करीब 500,000 लोग मारे गए और देश की इकोनॉमी पानी में डूब गई। पर वेस्ट पाकिस्तान ने लोगों को बचाने के लिए ज्यादा मदद नहीं किया, जिससे प्रोटेस्ट और बढ़ गया। आखिरकार 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला और इस जंग में बांग्लादेश की सभी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, कमर्शियल प्लेसेस जल के नष्ट हो गए। लेस प्रायोरिटी, साइक्लोन एंड वॉर, इस तीन रीजन के कारण आजादी के बाद बांग्लादेश दुनिया की सेकेंड मोस्ट पुअर कंट्री था। फिर आजादी मिलने के बाद 1972 में शेख मुजीबुर रहमान देश के पहले प्रेसिडेंट बने, पर उनकी सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण गरीब देश और गरीब बनने लगा। जैसे नेशनलाइजेशन, मतलब करीब 700 प्राइवेट कंपनीज, बैंक्स, इंडस्ट्रीज को सरकार अपने अंडर ले लिया, और सरकार के पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें ना कोई बिजनेसेस का नॉलेज है और ना एक्सपीरियंस, वो उन बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। इसी कारण पहले 5 सालों में देश की इकोनॉमी और गिरने लगा, साथ ही करप्शन भी बहुत बढ़ गया। 1974 में दोबारा एक बड़ा फ्लड आया जिसमें सभी फसल बर्बाद हो गए, इन्फ्लेशन 400% बढ़ गया, नतीजा 15,00,000 लोग भुखमरी के शिकार हो गए। अब इस खराब सिचुएशन से 5 रीजंस के कारण देश की इकोनॉमी ग्रो किया, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस, गारमेंट इंडस्ट्रीज और फॉरेन वर्कर्स। फर्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर 1977 में जियाउर रहमान देश के नए प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की तरह स्टेट कैपिटलिज्म को अपनाया, जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ने लगी। और यहाँ जियाउर रहमान ने पिछले सरकार की ऑपोजिट एंटी नेशनलाइजेशन किया, मतलब सारे कंपनीज, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हटा दिया, टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज कम कर दिए, जिससे बहुत सारे नई लोकल और फॉरेन कंपनीज, बिजनेसेस शुरू होने लगे देश में। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन रिजर्व सब बढ़ने लगा। सेकंड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को पुनर्जीवित करने के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फार्मिंग मशीन्स, विदेश से इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट, सरकार ने हाइब्रिड सीड्स इंपोर्ट किया, जो कम टाइम में कम जमीन पर बहुत ज्यादा फसल प्रोड्यूस कर पाती है, इवन सर्दियों में भी। और 1980 तक देश की इकोनॉमी डबल हो गया, जिससे 2010 तक एग्रीकल्चरल आउटपुट 3 गुना बढ़ गया, वो भी 10% कम जमीन पर। आज देश का 14% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। थर्ड, माइक्रो फाइनेंस। पर 1980 के बाद इकोनॉमी स्लो होने लगा मिलिट्री डिक्टेटरशिप के कारण, जिससे 1983 में आर्मी चीफ हुसैन मोहम्मद देश के नए प्रेसिडेंट बने। उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट के लिए देश की गरीबी, हेल्थ केयर को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो उन्होंने बहुत सारी एनजीओस को देश में इनवाइट किया और मेनली 2 एनजीओस ने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे, आइए जानते हैं। 1976 में मोहम्मद यूनुस नाम के एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने अपने घर के पास जोबरा नाम के एक छोटे से गाँव में गरीबी को क्लोजली एनालाइज किया और पाया कि गरीब लोगों को अगर थोड़ा पैसा मिल जाए तो उससे वो एग्रीकल्चर, छोटे बिजनेसेस वगैरह करके अच्छा कमाई कर सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं। पर बैंक्स इन गरीब लोगों को आसानी से लोन्स नहीं देती। फिर उन्होंने एक छोटा एनजीओ बनाकर अपना पैसा गरीब लोगों को लोन देकर कुछ दिन एक्सपेरिमेंट किया, जो ह्यूज सक्सेस साबित हुआ, और उन्होंने माइक्रो क्रेडिट का शुरुआत किया। ये एक छोटा बैंक जैसा है,
जहां गरीब लोग 5 जन की टीम बनाकर लोन ले सकते थे और छोटे बिजनेसेस वगैरह करके सूद समेत पैसा रिटर्न कर देते। फिर यूनोस्ची का एनजीओ गवर्नमेंट के साथ मिलकर देश भर में इसे इम्प्लीमेंट किया, जिससे कुछ ही सालों में गरीबी 75% से घटकर 48% आ गया और गरीब लोगों का इनकम 43% बढ़ गया। दूसरा एक एनजीओ था ब्रैक, जिसने देश की हेल्थ केयर को ठीक करने में बहुत मदद किया। साथ ही बर्थ रेट 7 बच्चे प्रति महिला से घटकर 2 बच्चे हो गए। फोर्थ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मुगल काल से बंगाल दुनिया का सबसे मेन कॉटन और सिल्क एक्सपोर्टर था। 1950 में पाकिस्तान की 70% एक्सपोर्ट सोर्स बांग्लादेश की ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, पर 1971 वार में सब कुछ बर्बाद हो गया। सरकार अब उन्हें वापस स्टार्ट किया। 1970s में बांग्लादेश ने 130 लोगों को साउथ कोरिया 8 महीने के ट्रेनिंग पर भेजा, उनके गारमेंट इंडस्ट्रीज की बिजनेस मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रेड वगैरह को स्टडी करने के लिए, ताकि सरकार सेम चीज बांग्लादेश में स्टार्ट कर पाए। पर उल्टा ट्रेनिंग के बाद ऑलमोस्ट सभी लोग भागकर खुद का गारमेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर गवर्नमेंट द्वारा 2 पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और सारी इंडस्ट्रीज में फिर से रेवोल्यूशन ला दिया और बांग्लादेश दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गारमेंट इंडस्ट्री बन गया। तो पहली पॉलिसी थी लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक पेमेंट सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रेड में। उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री दोबारा शुरू करने के लिए एडवांस मशीन्स, मटेरियल्स वगैरह विदेश से इंपोर्ट करना होगा। अब दिक्कत यह था कि जो लोकल बिजनेसमैन थे वो विदेश के सेलर्स को पर्सनली नहीं जानते थे, तो ऐसे में रिस्क यह था कि एडवांस पेमेंट करने पर अगर सेलर सामान ना भेजे या पहले सामान भेजने के बाद अगर बायर पैसा ना भेजे, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल था ट्रस्ट फैक्टर के कारण। पर लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम से यह दिक्कत दूर हुआ। मान लीजिए बांग्लादेश को फ्रांस से 5 लाख का एक मशीन खरीदना है, ऐसे में पहले बायर अपने बैंक में कोलैटरल या गारंटर जमा करके 5 लाख का एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब बैंक ये डॉक्यूमेंट फ्रांस में सेलर को देगा, फिर सेलर मशीन ट्रांसपोर्टर से भिजवा देगा और डॉक्यूमेंट अपने बैंक में जमा करेगा और बैंक उसे 5 लाख रुपए दे देगा। फिर ये डॉक्यूमेंट बांग्लादेश के बैंक के पास आएगा, क्योंकि ये दोनों बैंक में टाई अप रहता है। फिर बायर 5 लाख रुपए जमा करके ये डॉक्यूमेंट ले लेगा और ट्रांसपोर्टर को ये डॉक्यूमेंट देकर मशीन ले लेगा। इस दौरान ट्रांसपोर्टर बैंक के कंट्रोल में रहता है, ताकि बायर का पैसा मिलने के बाद ही उसे मशीन मिले। तो इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट और पेमेंट का पूरा रिस्क बैंक के ऊपर है, इसलिए सेलर और बायर दोनों को कोई टेंशन नहीं रहता। साथ ही बैंक एक एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से। और दूसरा पॉलिसी था ड्यूटी ड्रॉबैक सिस्टम। इसके तहत बायर्स परचेस के टाइम जो इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्सेस पे करते थे, वो सरकार वापस उन्हें रीइम्बर्स कर देती थी। साथ ही बांग्लादेश का एडवांटेज था कि उनके पास दुनिया के सबसे सस्ते लेबर फोर्स थे। 45 लाख लोग गारमेंट इंडस्ट्री में जॉब करते थे, जिसमें 90% वर्कर्स गरीब महिलाएं थी। इन्हीं कारणों से गारमेंट इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर पाई। बांग्लादेश की 11% GDP सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री से आती है और टोटल एक्सपोर्ट का 80%। फिफ्थ, फॉरेन वर्कर्स। 1980s के बाद दुनिया भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण चीप लेबर्स की डिमांड बहुत बढ़ने लगा, तो वो लोग विदेश जॉब करने चले गए, स्पेशली सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में, और अपने घर फॉरेन करेंसीज भेजते थे, जिससे देश का फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ने लगा। इन 5 रीजंस के कारण देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगा। बांग्लादेश की फॉरेन रिजर्व 2019 में पाकिस्तान से करीब डबल था। इसके अलावा और एक मेन इंडस्ट्री है शिपिंग इंडस्ट्री। 14th सेंचुरी से बंगाल में बनी शिप्स दुनिया में सबसे बेहतरीन शिप्स में से थी। आज बांग्लादेश में करीब 200 शिप्स मेकिंग कंपनीज है, जो दुनिया भर में शिप एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही वुमेन वर्कर्स इस सक्सेस के लिए एक बड़ा कारण है। आज देश में लेबर फोर्स की 35% महिलाएं हैं, करीब 2 करोड़ वुमेन वर्कर्स। वुमेन एडुकेशन को इतना बढ़ावा दिया गया है कि 2010 तक देश में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 60% महिलाएं थी। इसीलिए 1991 में पॉवर्टी 44% था, वो 2016 में कम होकर 13.5% हो गया। 2022 में बने पद्मा ब्रिज देश के GDP 1.23% तक इंक्रीज करने वाली है
अगले कुछ सालों में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यहाँ एग्रीकल्चर और फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसे सुनार बांग्ला कहा जाता है। पर दूसरी तरफ बांग्लादेश के शहरों में स्लम्स, पॉल्यूशन, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 30 सालों में करीब 4.5 करोड़ लोग गांव छोड़कर शहरों में आ गए और सरकार इतनी तेजी से रोड्स, हॉस्पिटल, हाउसेस वगैरह बना नहीं पाई। करप्शन इंडेक्स के लिस्ट में बांग्लादेश 147th में है, अफगानिस्तान से बस थोड़ा सा बेहतर। सरकारी नौकरी पानी हो या कोई ऑफिशियल काम कराना हो, हर जगह घूस देने से काम हो जाता है। बहुत सारे बिजनेसमैन हजारों करोड़ रुपए बैंक से लोन लेकर भाग गए, करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर। फिर भी कोविड के बाद फास्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के कारण इंडस्ट्रीज तुरंत रीओपन हुए और सभी को जॉब दोबारा मिल गया और जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% हासिल किया, जिसका दुनिया भर ने तारीफ किया। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जरूरी चीज सीखने को मिला होगा और जरा लाइक और शेयर भी कर दीजिए भाई। स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी।